गाइस फिफ्थ एग्जाम्पल तो कर लिया था, एक बार सिक्स एग्जाम्पल देख लो। फुद्दू था यार वो, कल ही लास्ट टेस्ट में कराना चाहिए था ने। अ ट्रेन इज रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड। तो मान लो स्पीड उसकी मैक्सिमम या ओन स्पीड जो थी, ओन स्पीड हो सकती थी मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारी ओन स्पीड हो रही है। अब याद देखो, यस क्या इसका नाम, टाइम कितना दिया हुआ उसका, अच्छा ओन स्पीड तो ये थी। अभी के लिए स्पीड कितनी हुई है भाई की अपने, 7/11 टाइम्स एक्स हो गई है। तब टाइम कितना हो रहा है बंदे का, 44 आवर्स। डिस्टेंस कितना होगा उससे, 7/11 एक्स इंटू 44 मतलब 28 एक्स। देखो डिस्टेंस चेंज तो होने वाला है नहीं मेरा, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं वो कितना पूछा है, एक्चुअल में टाइम कितना लगा रहता अगर खुद की स्पीड से गई होती तो वो। तो देखो तब डिस्टेंस मेरा 28 एक्स, स्पीड मेरी एक्स रहती थी ओरिजिनल स्पीड उसकी। तो टाइम मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 28 एक्स अपॉन एक्स, कटा कटा आंसर 28 रह गया रहता, 28 आवर्स। तो 28 आवर्स लगे हैं उसको, जहाँ पे उसको एक्चुअल में अगर स्लो गया वो तो 44 आवर्स लगे थे। तो आप फट से वाला कर लो, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 100 100 मीटर दूर पे तुम्हारे पोल्स लगे हुए, ट्रेन शुरू हुई 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे चली, कितने पोल्स क्रॉस किए। तो सिंपल सा है, डिस्टेंस निकाल दो, वो उसको मीटर में कन्वर्ट करते डिवाइड बाय 100। देखो डिस्टेंस मेरा आ रहा है 45 × 8 विच इज़ आई थिंक 94 से कितना आता है, 9436 360 किलोमीटर इंटू एम इंटू 1000, तो उतने मीटर्स हो गया, इतने मीटर हो गए। तो अब नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे, डिवाइड बाय 100, ये तुम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3600 पोल्स हो गए तुम्हारे दिमाग में, बट सुनो उतने नहीं, उससे एक ज़्यादा रहेगा। सर क्यों, अब देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जब ट्रेन यहाँ पे है तो ये स्टार्ट ही हुई है तो पहला पोल तो क्रॉस कर ली होगी ना उसने, तो ये एक एक्स्ट्रा का पोल ना, 0th पॉइंट पे भी एक पोल रहेगा, फिर 100 मीटर पे एक रहेगा, फिर 200 मीटर पे एक रहेगा, करते 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 3600 पे एक और पोल आएगा। तो ऐसे ये तो तुम डिवाइड बाय 100 करके निकाल लोगे और ये एक को भूल जाओगे, वो ध्यान रखना। तो 3601 पोल्स हो रहे हैं, समझा रोक रहे। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इस वही आप देखो इसका उल्टा दिया हुआ है, इतने पोल्स को क्रॉस किया है अगर उसने, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस में टू कॉन्सिक्यूटिव पोल्स। तो यहाँ से एक पोल मुझे कम करना पड़ेगा ना बेटा, समझाए, ठीक है, यस करेक्ट। नहीं बेटा 7200 रहेगा, तो 360 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड बाई 7200 कर ले, करो फट से इसको सॉल्व।
तो उसमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे किलोमीटर में कन्वर्ट कर इनटू 1000 कर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड नहीं कर दिया। क्वेश्चन देखो सेकेंड, सॉरी समझाओ एक बार, रुक जाए। पहला बार समझ गया ना। अब देख अगर इतने पोल्स है तो वैसे तो जैसे स्टार्ट किया होगा, पहला पोल तो तुमने क्रॉस कर ही लिया होगा ना बेटा, तो 7200 कंसिडर करना है। 360 किलोमीटर अगर है तो 360 इतने मीटर्स है, दैट डिवाइड बाय 7200 करेगी तो नंबर ऑफ पोल्स आ जाएगा तेरे, उल्टा है बस पिछला लेगा। हो गया बेटा। अब एक कंसेप्ट जो एग्जैक्ट कंसेप्ट आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में सक्षम ध्यान है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इंसान को एक दीवार पेंट करने के लिए 8 डेज लगते हैं, या 8 डेज लगते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का 8 डेज में वन वॉल वो कम्प्लीटली पेंट कर देगा, ये 1%। तो 1 डे में कितनी पेंट कर पाएगा, 1/8 वॉल। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ रोज इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करता है, ऐसा नहीं कि आज ज़्यादा कर लिया कल थोड़ा कम कर दिया, ऐसा नहीं, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। तो 1/8 वॉल कर पाएगा पेंट वो, ठीक है। 3 दिन में कितने कर पाएगा वो, 3/8 ऑफ द वॉल। ये समझ में आप लोगों को क्या हो रहा है, 4 दिन में 4/8 या फिर 1/2 जो भी वो, ठीक है। अब वो एक बंदा था, अब ऐसे मान लो 4 बंदे जो लोग इक्वल रेट पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। अब अगर मान लो एक बंदा 1% कैन कंप्लीट इन 100 डेज, ठीक है, पूरा का काम। वैसे जैसे 4 लोगों को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए, अगर एक बंदे को 100 दिन लगे तो 4 लोगों को 400 दिन। हाँ अच्छा, मतलब तेरे घर पे पेंटिंग का काम शुरू है और 100 दिन लगने वाले थे, तूने एक और बंदे को बुलाई तो डबल लग जाएंगे तेरे को, ये कम लगेंगे। मैंने बोला अगर एक बंदे को काम कम्प्लीट करने 100 दिन लगता है तो 4 बंदे को कितने दिन लगेंगे, 400। हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ तो 4 लोगों को जितने भी लगे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट तो 1% in 1 day कितना काम करेगा, 1/100 वर्क करेगा। तो 4% in 1 day कितना करेगा, 4/100 वर्क करेगा। ये एक दिन की बात हो रही है, ठीक है ना। एक सेकंड जाओ, यहाँ तक ठीक है, पक्का कोई इशू। अब देखो एक मैन को, एक मैन होना चाहिए तो, को काम कंप्लीट करने के लिए 100 दिन लगते हैं मान लो, और एक वुमेन को, या वुमेन को काम करने ख़त्म करने के लिए 80 डेज लगते हो कोई, ठीक है। अब मान लो 4 मैन है और 5 वुमेन है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है मैं वो पूछ रहा हूँ उन लोगों से। तो
देखो सर, एक मैन को 100 दिन लग रहे थे, तो इन वन डे, वन मैन इन वन डे कितना काम कर पाएगा? 1/100। तो मैंने कितने आदमी हुआ था? 4 आदमी हुआ था ना। तो 4 मैन इन 1 डे कितना काम कर पाएंगे? 4/100। ठीक है, एक औरत को काम खत्म करने के लिए 80 दिन लगते हैं, तो 1 वुमेन इन 1 डे 1/80 काम कर पाएगी। और वैसे ही 5 वुमेन इन 1 डे कितना कर पाएगी? 5/80। तो एक दिन में टोटल मिला के इतना काम हो जाएगा। परफेक्ट, ये समझ में आया तुम लोगों को? चलो ग्रेट, अभी के लिए ये छोटी सी चीज़ें याद रखना, फिर अपन जब आगे क्वेश्चन पे आएगा ना तो उससे बेटर समझ में आएगा तुमको चीज़ें। ज्योति कैन निट अ स्वेटर इन 4 आवर्स एंड मीरा कैन निट इट इन 6 आवर्स, हाउ मच टाइम वुड दे नीड इफ दे आर वर्किंग टूगेदर टू एक स्वेटर के लिए? तो अब सुनो, पहले तो 1 आवर का वर्क निकालते अपन लोग, ठीक है ना, वन डे या 1 आवर, अब यहाँ पे आर्ली बेसिस पे जैसे अपन लोग 1 आवर का निकाल रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं जाता, नहीं नहीं, ठीक है। तो देखो पहले ज्योति दीदी की बात करें अपन लोग, ज्योति 1 आवर में 1/4 काम कर पाएगी, करेक्ट। मीरा 1 आवर में 1/6 काम कर पाएगी। अब दोनों को एक्स एक्स घंटे काम करना पड़ेगा तब पूरा काम कंप्लीट होगा। तो ये देखो इम्प्लाइज एक्स आवर्स में कितना काम हो जाएगा? इसका एक्स बाई 4 काम हो जाएगा, इसका एक्स आवर्स में एक्स बाई 6 हो जाएगा। तो एक्स बाई 4 प्लस एक्स बाई 6 इज इक्वल्स टू पूरा वर्क डन, ठीक है ना। अब सुनो, इसको इक्वल्स टू 1 लिखते हैं अपन लोग सर, क्यों? अब समझो, एक स्वेटर की बात नहीं है, एक पूरे वर्क की बात है। देखो कितना पोर्शन ऑफ वर्क हुआ, फुल वर्क हो गया तो 1, आधा वर्क हुआ था तो 1/2। अगर मान लो 125% वर्क हो गया था तो 1.25, 100% वर्क है इसलिए 1। अगर तुमने डबल द काम कर दिया तो इक्वल्स टू 2। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? अब देखो इसको मैंने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 3x + 2x/12 इज इक्वल्स टू 1, तो 5x = 12, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 12/5, मतलब 2.4 आवर्स अगर काम करेंगे तो उनका एक काम कंप्लीट हो जाएगा। अब उनको 12 काम करना है एक घंटे के लिए 2.4, तो 15 काम करना है तो डैट इंटू 15, तो उनके 15 स्वेटर बन जाएंगे। तो बेसिकली जब दोनों साथ में काम करते हैं तो 2.4 आवर्स में वो एक स्वेटर को निपटा देते हैं। इंटू 15 करोगे तो 15 स्वेटर बन जाएंगे, थोड़ा फील आया। एक और बार देखो, ज्योति दीदी को 4, इसको 6, उसका नाम क्या था? पलक। हाँ, एक घंटे में ज्योति 1/4 वर्क करती है, पलक 1/6 वर्क करती है, तो एक्स आवर्स में ज्योति एक्स बाय 4 वर्क करेगी, पलक एक्स बाय 6 वर्क करेगी। टोटल मिला के कितना हो जाएगा वो? एक्स बाय 4 प्लस एक्स बाय 6, ठीक है ना, जो कि मेरा 1 होना चाहिए ना। एक्स मतलब कितने घंटे में कंप्लीट होने वाला था, तो इससे आंसर मेरा एक्स की वैल्यू आई थिंक जो भी आई थी, क्या बचा? एलसीएम लूँगा मैं, हाँ, तो 12/5 आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, जस्ट 2.5 आवर्स, उसमें एक स्वेटर बन रहा है, 15 स्वेटर इंटू 15 कर दूंगा मैं। ये हुआ एग्जांपल नंबर 1, पहले सिर्फ एग्जांपल नंबर 1 ही करो, फिर अपन लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है ना, बढ़िया। हाँ देखो, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे का एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा, पक्की बात है। हाँ
हो गया है? क्यों 15 से? हाँ इंटू 15 यस, वो 2.5 आवर्स में छोड़ दो, तुमको आवर्स एंड मिनट्स में करना है 2.4। हाँ नहीं एक बार हो जाओ, एक बार जो धीरे धीरे धीरे। अब सुनो, बबन एंड जो भी है बाप रे, बी एंड आर टुगेदर कैन बिल्ड इन 12 डेज, बबन अलोन कैन डू इट इन 20 डेज, बताओ रामसुख को कितना टाइम लगेगा? सुनो अब देखो, अपन लोग पहले क्या कर रहे हैं, अपना बबन है और रामसुख है, बबन को कितने दिन लगते हैं? 12 डेज, ठीक है, नहीं 20 दिन, ठीक है। रामसुख को मान लो कुछ लगते हैं एक्स डेज, तो वन डे में भाई का कितना काम होता है? 1/20, इसका होता है 1/x, दोनों साथ में काम करें तो 12 दिन लग रहे हैं, नहीं दोनों साथ में काम करें 12 दिन लगेगा, तो 12 दिन में ये बंदे ने कितना काम कर लिया होगा? 12/20 काम कर लिया होगा, ठीक है, और इसने कितना काम कर लिया होगा? 12/x, ठीक है, पूरा काम खत्म हो गया, तो दैट इक्वल्स टू 1, खत्म। सुनो क्या हो रहा है ना, पहले एक दिन का निकाल लो या एक घंटा, जो भी तुमको ऐसा आर्ली दिया हुआ है ना, 8 आवर्स में तो 1 आवर का, दिन दिया हुआ है तो 1 डे का, वीक दिया तो 1 वीक का, जो भी तुम वो निकालो 1 का, ठीक है, ये निकाल दिया तुमने, फिर जिसने जितनी देर काम किया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसने कितनी देर काम किया था? 12 आवर्स, इसने भी 12 आवर्स वर्क किया था, ठीक है। ऐसा होगा आगे जहाँ पे शायद से एक पर्सन 20 घंटे काम करेगा, दूसरा पर्सन 8 ही घंटे काम करेगा, तो पहले बंदे ने 20 घंटे काम किया है तो उसका कितना? 20 से मल्टीप्लाई करना, और दूसरे ने 8 ही किया तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो एक बार ये भी पूरा कर लो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2, फिर आगे देता हूँ तुमको करने के लिए। और देखते तेरा और कौन सा बचा है वो पहले करेंगे, फिर इन लोगों का बचा हुआ करूँगा मैं। चलो बढ़ सकते हैं आगे। अब देखो, ए कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स, बी कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ द सेम इन 16 आवर्स, मुझे वो तो समझता नहीं है, मतलब ए भाई को पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 60 आवर्स, बी भाई को पूरा काम कंप्लीट करने के लिए कितने लगने वाला है? 90 आवर्स, ठीक है ना, मेरे को समझता नहीं भाई ये चोचले बने के। 1/5 काम अगर 12 घंटे में है तो पूरा काम ×5 करना पड़ेगा ना, ×5 रहेगा ना बेटा, तो 1/4 दीवार पेंट करने को एक दिन लगाएगी, तो पूरी दीवार पेंट करने के लिए टोटल मिला के 4 दिन लगेंगे ना बेटा, ठीक है। अब देखो, इन हाउ मेनी डे आवर्स को दोनों के साथ में काम करें तो कंप्लीट हो जाएगा, तो पहले देखो 1 आवर के अंदर ए कितना काम कर लेगा मेरा? 1/60, और बी कितना कर लेगा? 1/90। अगर एक्स आवर्स में कंप्लीट करते हैं बंदे लोग अपना काम, तो इसने कितना काम किया होगा? x/60, उसने कितना किया होगा? x/90, पूरा का पूरा काम डन, ठीक है। एलसीएम 180 आ रहा है तो 3x + 2x/180 = 1, 5x/180 = 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई 36। 36 आवर्स में पूरा पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट, समझा लोगों को? तुमको क्या बताया मैंने, पहले 1 आवर या 1 डे जो भी है उसका काम निकालो, उसने 1/5 काम 12 घंटे में किया होगा, तुमको चाहिए तो 1 घंटे का यहाँ से डायरेक्टली निकाल दो, तो 1 घंटे में 1/60 है तो वो क्या होगा? नहीं तो 1/5 काम 12 घंटे में है तो पूरा का पूरा काम 60 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 1/60 वर्क। देखो वैसे नहीं करना, तू बोल सब ये था बेटा,
इतना काम करने को 12 घंटे लगे, तो इसको करने को और 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे, टोटल मिला के 60 घंटे। 60 घंटे में पूरा पूरा काम हुआ, तो 1 आवर में तेरा 1/60 अमाउंट ऑफ वर्क होने वाला है, वैसा है वो। समझाइए, अब एक समझो, दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 3। चलो एक बार ये भी अकेला एग्जाम्पल कर लो, डिफरेंट पैटर्न का था क्योंकि इसमें मैं स्ट्रेस नहीं देना चाहता एक साथ। Thirty-six hours, yes। अब देखो एग्जाम्पल में 4 बढ़ गया बना रहा है। हाउ अब देखो नेक्स्ट वाला बहुत बढ़िया है। ए एंड बी टुगेदर कैन डिग इन 20 डेज, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड बी लेफ्ट द वर्क। अब बताओ और कितने दिन लगेंगे, नहीं सर, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश। अगर ए अकेला 30 डेज में करता था, सब दुनियादारी बाद में। अपने को बस ये तो समझ में आ गया है भैया, ए जब काम करता है, ए अकेले को लगते हैं 30 डेज, बी अकेले को कितने दिन लगते हैं पता है क्या तुमको? नहीं, तो एक्स डेज मान लूँ, तो 1 डे में भाई का कितना काम होता है, इसका कितना काम होता है, 1/x। जब दोनों के दोनों साथ में काम करते तो 20 दिन लगने चाहिए थे, तो जब इसने 20 दिन वर्क किया तो 20/30 वर्क किया, इसने अगर 20 दिन वर्क किया है तो 20/x वर्क किया है, नहीं नहीं अगर किया होता तो मैं एक्स ही वाली निकालता हूँ, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो 20/x की वैल्यू 10/30 हो रही है अपनी, ठीक है ना, तो मेरे एक्स की वैल्यू हो जा रही 60 डेज। तो मेरे को ये मिल चुका है, बी अकेले वो काम करता था अगर, तो कितने दिन लगाता था, 60 डेज। एक बार के लिए बस इतना कर दो, उसके आगे का देखते हैं, जो तुम छोड़ दिया सही बोल रहे तू, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्वेश्चन का वो छोड़ दो, काम छोड़ दिया, नहीं नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं, तुम एक बार के लिए छोड़ दो, ठीक है, बस मुझे बता दो बंदे को काम करने के लिए 60 डेज लगते हैं वो मुझे बता दो बस एक बार का। कहाँ गया एग्जाम्पल में? हाँ, उनके सल्यूशन छोटे रहते हैं बट अपन लोग उतना दिमाग लगा ही नहीं, अपन सिर्फ एक ही चीज थी कि उससे ही हर एक क्वेश्चन निपटाने वाले अपन हमेशा, ठीक है ना। आई थिंक 60 डेज आई थी अपनी,
एसी 30 आ गई है, हाँ 60 सॉरी। अब सुनो, अब क्वेश्चन आगे का देखो, दोनों काम प्यार प्रेम मोहब्बत से कर रहे थे, बट ये 20 दिन बाद छोड़ दिया था, तो 20 दिन बाद कितना काम हुआ था अपन पहले वो निकाल लेते हैं। देखो वन डे में इसका 1/30 वर्क होता था, 20 डेज में कितना वर्क अकेला कर लेता, 20/30, इसका वन डे में 1/60 हो रहा था, तो 20 डेज में इसका 20/60 वर्क हो गया रहता। रुको कुछ गलती है, इसने 20 दिन बाद छोड़ा, कितने दिन बाद छोड़ा है, 8 डेज बाद छोड़ा, सॉरी सॉरी इसने 8 दिन बाद छोड़ा है, सॉरी मैंने गलती है 20 दिन बोल दिया, बंदे ने 8 दिन बाद छोड़ा है, तो ये 8/30 है, ये 8/60 है, टोटल वर्क कितना हो गया था फिर, टोटल वर्क डन आफ्टर 8 डेज, तो 8/30 प्लस 8/60 मतलब 12/30 वर्क हो गया था तुम लोगों का, ठीक है, जबकि 4/6 से काटा, 2/5 वर्क डन था। देखो अभी 8 दिनों में 2/5 वर्क हो चुका है, नहीं दोनों का मिला के, ठीक है। अब देखो इम्प्लाइज कितना वर्क पेंडिंग है, इम्प्लाइज 3/5 वर्क इज पेंडिंग, ठीक है। अब देखो नाउ ओनली ए इज वर्किंग, ठीक है ना, अब उसको वन वर्क कंप्लीट नहीं करना है, उसको 3/5 वर्क करना है। देखो अब वन डे में वो करता है 1/30 वर्क, अब वाई डेज क्यों मैंने एक्स पहले ले दिया था, इसलिए वाई डेज में वो कितना करेगा, वाई बाई 30 वर्क विच इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ द वर्क। अब सॉल्व करूंगा बेटा मैं इसको, तो वाई की वैल्यू जाएगी 3 × 30/5, 18 डेज, मतलब उसे और 18 दिन लगने वाले अब काम कंप्लीट करने के लिए। मैं तुमको एक बार स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ, 8 डेज के बाद 8 डेज दोनों ने वर्क किया, फिर बी भाग गया, अब ए बेचारा अकेला काम कर रहा है मजदूर अपना, नहीं उसने 8 डेज के बाद काम छोड़ा है, 8 डेज दोनों ने किया, फिर सिर्फ ए ने करना काम शुरू किया, जब 8 डेज दोनों ने काम किया था 2/5 तो वर्क हो गया था, तो 3/5 वर्क बचा था, अब ए अकेला वो 3/5 वर्क करने लगा। देखो हमेशा मैं वन वर्क सोचते थे ना, अब वो 3/5 वर्क करने लगा। हाँ एक बार करो ये सॉल्व, फिर मैं आपसे पूरा समझाता आप लोगों को। 30 डेज का कैसे निकाला बेटा तूने, क्या अपन ने निकाला कि कितने दिनों में वो कंप्लीट करते थे दिया हुआ था, तो बी अकेले वो काम करने को कितना टाइम लगता था, हाँ फिर उसे हमें बंदे ने छोड़ दिया, फिर मैंने सॉल्व किया, डिवाइड नहीं, तेरा 3/5 वर्क था वैसा भी कर सकते तू, अब तू ऐसा ही बोल सकती है कि वन डे में 1/30 वर्क करता है, तो कितने दिनों में कहते 3/5 वर्क करेगा, वैसे भी कर सकते तू, हाँ
हाँ करेक्ट, मतलब 3/5 वर्क बचा है। तो अगर उससे पूछा था टोटली कितने दिनों में प्रोजेक्ट खत्म हुआ था, 26 सॉरी, 8 + 18, तो उसने आई थिंक और कितने दिन लगेंगे बस वही पूछा है शायद से। ठीक है, अब देखो 18, नहीं नहीं 18 नहीं, बस 18 ही आंसर। अब देखो हम नेक्स्ट वाला देखो, ये पार्ट छोड़ दो बेटा। ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिन में ख़त्म कर सकता है, दोनों ने 4 दिन काम किया, फिर ए भाग गया। चलो अब देखते हैं किसने कितना काम किया था, ठीक है ना, कितना 4 दिन कितना काम हुआ था। ए बी, 1 डे में ए 1/10 वर्क करता है, 1/15 वर्क करता है, 4 डेज में इसने 4/10, 4/15, टोटल कितना वर्क हो गया था मेरे लिए, सम लिया 30, 12 + 8/30, 20/30, मतलब 2/3 वर्क डन था, इम्प्लाइज 1/3 वर्क पेंडिंग था। ठीक है यहाँ तक के, अब देखो अब 1/3 अगर वर्क पेंडिंग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरा अब बी 1 डे में 1/15 वर्क करता है, तो कुछ एक्स डेज में, वो यानी वाई डेज में मान लो, तो 1/3 वर्क करेगा, एक दिन में 1/15, तो एक्स डेज में, चल ठीक है, चल चल ठीक है, 1 डे में तो x/15, एक्स डेज में 1/15 वर्क कर लेगा। नाउ दिस 1/15 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/3, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, तो उसे और 5 दिन काम करना पड़ गया है। समझा तुम लोगों को, बस पहले इतना निकाल लो, ठीक है। नहीं बेटा 5 आया, यहाँ तक ठीक है। अब देखो 4 दिन के अंदर अपने ए बंदे ने 4/10 वर्क किया था, ठीक है, फिर छोड़ दिया था, तो ए का टोटल मिला के वर्क कितना है, 4/10 यानी 40% मान लो,
बचा कुछ है, बी का वर्क है 6/10। टोटल मिला के अगर 1000 रुपये मिले हैं तो कितना कितना बटेगा? तो इसका 4/10 वर्क था, तो 4/10 इंटू 1000 मतलब इसको 400 रुपये मिल जाएगा। इसको 6/10 इंटू 1000 मतलब इसको 600 रुपये मिलना चाहिए। समझा रेनमरेशन? तुमने जिसने जितना काम किया उसके हिसाब से उतना मिलेगा। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं किया बेटा उसने, अगर दोनों साथ में करते रहते तो मे बी ये 70% वर्क कर जाता, तो इसको 700 रुपये, इसको 300 रुपये मिलते। ये निकम मैंने बीच में छोड़ दिया, तो उसने 40% ही वर्क किया खुद ने अकेले ने, तो बचाओ पूरा कर 60% वर्क तो इसने किया है ना। ये मत सोचो 40% जब वर्क हुआ है तब दोनों ने किया, नहीं तब 40% वर्क नहीं हुआ था। जब ए अकेला 4 दिन काम किया था, 4/10 वर्क उसने किया था, 4/15 वर्क इसने किया था, टोटल मिला के काम कितना हुआ था? पर इन दोनों का सम कितना था? 3 से किया था इसको 12 + 8 है ना, 20/30 मतलब 2/3 वर्क हो चुका था, 66.66% वर्क हो चुका था, जिसका 40% भाई ने किया था, बचा हुआ भाई इसने किया था, उस लोग बंदे इसलिए कम काम कर रहा था। समझाए रोकड़े? कर लो फटाक से ये भी खत्म। देखो ये सक्षम और कौन सा आ रहा है टॉपिक किसके दिवाए? देखो क्लॉक भी नहीं है, देखो सेटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है, करेक्ट। ए को 400, बी को 600, और कौन सा बच रहा है इसके से भाई? फिर अपना क्लॉक सेटिंग अरेंजमेंट से भाई, चल देखता हूँ मैं। हाँ अब देखो, 2 men और 3 boys 40 घंटे में काम कर सकते हैं। तो देखो 2 men अगर 40 घंटों में काम कर सकते हैं तो एक आदमी को कितना समय लगेगा? 80 hours लगेगा ना। तुम्हारे लोग कम हो गए तो काम समय ज़्यादा लगेगा ना रोकड़े तेरे को, और इसका नाम क्या है बेटा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रहते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले, ठीक है। तो चलो ये एक मैन को कितना समय लगेगा वो, ठीक है। 3 boys को 40 hours लगता है, तो 1 boy को कितने आवर्स लगेंगे? 120 hours लगेंगे। तो देखो 1 hour में 1 man कितना काम कर लेगा? 1/80। 1 hour में 1 boy कितना काम कर लेगा? 1/120। अब मान लो 1 hour में 4 men कितना काम कर लेंगे? 4/80। और 1 hour में 9 boys कितना कर लेंगे? 9/120। अब इन लोगों ने कितना देर खुद साथ में काम करना चाहिए, तो एक्स आवर्स करना चाहिए, तो एक्स आवर्स में 4 men कितना काम कर लेंगे? 4x/80। और एक्स आवर्स में 9 boys कितना काम कर लेंगे? 9x/120, ठीक है। दोनों को ऐड किया बेटा मैंने, 4x/80 प्लस 9x/120 इसी को शुरू पूरा का पूरा काम, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करा दो, जो ये हो गया 20। अब वो उसको नहीं काट रहा हूँ मैं, कट रहा है चलो काट लो, 3 से काटा था ना, 40, ठीक है। तो इक्वेशन बन रही है x/20 प्लस 3x/40, तो 2x + 3x 5x/40 इजी क्वेश्चू 1, तो x की वैल्यू इससे 8 hours आ रही है। समझा? करो फट से वाला अभी।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला सेवन। ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 डेज। चलो ठीक है, इफ ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। अब सुनो, मैं रोकड़े से डबल यानी बेटर काम करता हूँ, तो अगर रोकड़े को 10 घंटे लगते तो मुझे 20 लग रहे हो गए या 5 घंटे लग रहे हो गए? 5। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो, अगर B को मेरे X आर्स लगते हैं तो A को मेरे X by 2 आर्स लगने वाले हैं, तो फ्रैक्शन में जैसे ना रहे इसलिए मैं B को 2X मान रहा हूँ और A को मैं X मान रहा हूँ। यहाँ तक है ठीक है? तभी देखो X इक्वल टू 2X अभी होता ही नहीं था भाई, X इक्वल टू 0 पे छोड़ जाने दो। इन हाउ मेनी डेज कैन A अलोन फिनिश द वर्क? ठीक है ना, अब देखो A को X आर्स लगते हैं तो A और ये B, इस होता है एक्स आर्स, इसको लगते हैं 2x आर्स, तो 1 आर में कितना वर्क करेगा? 1/x। ये 1 आर में कितना वर्क करेगा? 1/2x। दोनों की दोनों 30 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 30 घंटों में से 30 डेज है क्या? तो ये आर्स नहीं, वो डेज है, ठीक है ना, एक्स डेज मान लो। तो 30 डेज में 30/x वर्क ये करेगा, ये 30/2x वर्क कर लेगा। तो देखो 30/x प्लस 30/2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 45 डेज हो जाएगी। तो दोनों को दोनों कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? तो x क्या वैल्यू होगी? 45। तो a को काम कंप्लीट करने के 45 डेज लगे रहते हैं और b को काम करने के लिए 90 डेज लगे होते हैं। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? कर लो ख़त्म इसको भी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हो गया ये, चलो अभी नेक्स्ट वाला जाना है क्या तुम लोगों को? जल्दी सेशन है तेरा, तेरा सेशन है क्या आगे? नहीं ना, चलो ध्यान दो अभी। अ पीस ऑफ वर्क इज फिनिश्ड इन 30 डेज बाय ए, सी इज थ्राइस एज गुड एज ए। तो देखो ए को अगर लगते हैं 30 डेज तो सी को 1/3 टाइम लगेगा उससे, तो सी को लगने वाले 10 डेज। एंड ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, ए खुद ही बी से बेटर है तो B को लगेंगे 60 दिन। A is twice as good as B, तो A का समय आधा समय रहेगा ना, ठीक है? बताओ तीनों के तीनों साथ में काम करते हो, कितने समय में काम कंप्लीट हो जाएगा? तब देखो, तो ये 1 डे के अंदर ये 1/30 वर्क करेगा, ये 1/10 वर्क करेगा, ये 1/60 वर्क करेगा। तब ये एक्स डे साथ में जब काम कर रहे हैं तो एक्स बाय 30, एक्स बाय 10, एक्स बाय 60, इसका सम 1 होना चाहिए। करो फट से वक्त में बेटा, मेरे को लगता नहीं अपना एक भी सोल्यूशन उसके तरीके से मैच कर रहा है। अपना हर एक सोल्यूशन एक ही कंसेप्ट के ऊपर चल रहा है, उसका हर सोल्यूशन अलग 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 चल रहा है। क्या बच्चा? x बाय 30 तो x बाय 10 पे x बाय 60 इक्वल टू 1, तो सेक्स की वैल्यू आ रही है
20/3 days. नहीं, अब सुनो, अगर तुम लोगों का एफिशिएंसी 3:2:6 है तो नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल रेशियो में चलने वाला है। सर मतलब क्या, अगर मान लो A:B की एफिशिएंसी 2:3 है तो डेज A:B का रिक्वायर्ड 1:2:1:3 मतलब 3:6:2:6 मतलब 3:2 चलेगा। समझाइए चीज़ क्या हुआ है, एफिशिएंसी और नंबर ऑफ आर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगर मैं तेरे से डबल स्पीड में काम करता हूँ तो मेरा समय हाफ रहता था ना, यानी 1:2। मैंने वो LCM ले लिया बेटा उसको, हाँ ठीक है, समझाए। तब ये देखो यहाँ की एफिशिएंसी क्या है x, y और z की 3:2:6, तो नंबर ऑफ डेज क्या रहेगा बेटा 1/3, 1/2, 1/6, LCM 6 रहेगा, 2, 3, 1, यानी 2:3:1 डेज लगेगा। तो मान लो x को लगते हैं 2A days, y को लगते हैं 3A days और z को लगते हैं 1A, यानी A days लगते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों मिला के 2 घंटे में काम कर सकते हैं। तो देखो ये डेज नहीं आर्स है अभी के, ठीक है ना, तो 1 आवर में ये 1/2A वर्क करेगा, या 1/3A वर्क करेगा, या 1/A वर्क करेगा। 2 आवर्स में 2/2A, 2/3A, 2/A, जिसका सम 1 हो जाएगा, तुम्हारी A की वैल्यू आ जाएगी। समझे चीज़ क्या हुई है, पक्का ना, करो ये भी वहाँ पे लिख लो, टाइम एंड एफिशिएंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही फिर 1/2 वो लिखते थे अपन लोग। हो गया, LCM लेने में अगर इशू आ रहा है जगह 1/2A, 2/2A + 2/3A + 2/A = 1, LCM हो जाएगा 3+2+6/3A = 1, ये हो जाएगा 5, 11, 11 = 3A, तो A की वैल्यू 11/3 आ रही है मेरी, वही आई है क्या। फिर सबका वो निकालना पड़ जाएगा A से, चलो आगे का अपन नेक्स्ट सेशन में करते हैं, बट बिफोर दैट एक सेकंड, क्या एवरेज अपना हो चुका है पूरा का पूरा, करेक्ट, कैलेंडर अपना पूरा का पूरा हो चुका है, क्लॉक बचा है अपना, टाइम एंड वर्क अभी चल रहा है अपना, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो चुका है अपना, ठीक है, और इसमें सेटिंग अरेंजमेंट बचा है वो भी तेरे को नहीं है। तो बेसिकली ये जैसे ही होगा तो तेरा चैप्टर 13 खत्म हो जाएगा, तो कल निकल सकता है। बचे हुए लोग अपन लोग कंटिन्यू करेंगे, मे बी सेटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे, या फिर अपन सेटिंग अरेंजमेंट पहले कर लेंगे, ठीक है ना, चलो ठीक है, क्लॉक कर लेंगे पहले।
होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज पूरी एक साथ करना, वो स्पीड डिस्टेंस टाइम की जो बची कुछ वो कर लेना अगर करने की इच्छा है तो।